साल 2017 से फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा पक रहा था जिसका असर अब सलमान के फिल्मी करियर में दिखने लगा है। सलमान की जिंदगी में कोई ऐसा था जिसका जाना उनकी फिल्मों के लिए ठीक नहीं रहा, वहीं अक्षय को कोई ऐसा मिल गया कि उनकी बल्ले बल्ले हो गई। सलमान खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो सुपरस्टार जिसकी फिल्मों में मौजूदगी ही कमाई की गारंटी माना जाता है। उनको अगर कमाई के मामले में कोई टक्कर देता है तो वो है अक्षय कुमार, जिन्हें कमाई कुमार के नाम से भी बुलाया जाता है। कमाई की इस रेस में दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते रहते हैं। दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और मौका मिलने पर दोनों साथ में जमकर मस्ती भी करते हैं। पिछले कुछ सालों में बॉक्स ऑफिस पर दोनों की टक्कर में किसका पलड़ा भारी रहा है, इस सवाल का जवाब इसीलिए तलाश करना जरूरी है क्योंकि फिल्म क्रिटिक KRK यानी कि कमाल राशिद खान का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें KRK ने लिखा है, आखिरकार अक्षय ने सलमान के स्टारडम को चैलेंज करने की ठान ली, इसलिए वो दबंग 3 की रिलीज के 7 दिन बाद अपनी फिल्म गुड न्यूज रिलीज कर रहे हैं और वो लक्ष्मी बम भी ईद 2020 को रिलीज कर रहे हैं, जबकि सलमान अब तक 2020 की ईद पर अपनी फिल्म रिलीज का ऐलान ही नहीं कर पा रहे हैं। सलमान की पुरानी मैनेजर अब अक्षय का काम देख रही हैं। KRK रेशमा शेट्टी की बात कर रही हैं, जिन्होंने करीब 9 साल तक सलमान का काम देखा था, लेकिन साल 2017 में उनके और सलमान के बीच अनबन के बाद अलग होने की खबर आई थी। हालांकि साल 2017 में ही एक और खबर चर्चा में थी और वो ये कि रेशमा शेट्टी ने अक्षय कुमार का काम संभाल लिया है। अब इसका सलमान और अक्षय के काम पर क्या असर पड़ा है, इसकी झलक KRK के ताज़ा ट्वीट पर किसी के रीट्वीट में दिखी, जो कुछ इस तरह था, पर भाई एक बात माननी होगी, हम रेशमा शेट्टी को कितनी भी गालियां दें पर ये औरत बहुत होशियार है। जब से अक्षय की मैनेजर बनी है तब से अक्षय के पास अच्छी फिल्में आई हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी देख लिया जाए। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट फर्म चलाने वाली रेशमा शेट्टी के 2017 में सलमान का काम छोड़कर अक्षय का काम संभालने के क्या नतीजे रहे। 2017 में सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट, जुड़वा 2 और टाइगर जिंदा है आई। इन फिल्मों में ट्यूबलाइट कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, जबकि जुड़वा 2 में सलमान मेहमान कलाकार की भूमिका में दिखे थे, जबकि टाइगर जिंदा है ने जबरदस्त कमाई की थी। तो इस लिहाज से 2017 में सलमान की झोली में सिर्फ एक हिट फिल्म आई, की साल 2017 में टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम शबाना और जॉली LLB 2 आई थी, जिसमें नाम शबाना भले ही कुछ खास कमाल ना दिखा पाई हो, लेकिन टॉयलेट एक प्रेम कथा और जॉली LLB 2 ने खूब कमाई की। दीमक है जनाब, ये दीमक खोखला कर देगा सारे सिस्टम को और पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो लिहाज करो मेरे मातर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। जिसमें सलमान खान की रेस 2 इकलौती फिल्म आई थी, जिसका बॉक्स ऑफिस पर जो भी हाल रहा हो, सोशल मीडिया पर तो बुरा हाल था, जबकि यमला पगला दीवाना फिर से 0 और नोटबुक में सलमान मेहमान कलाकार के तौर पर नजर आए थे। की 2.0 गोल्ड और पैडमैन आई थी, जिसमें पैडमैन ने खूब तारीफ बटोरी थी। इस साल सलमान की फिल्म भारत रिलीज हो चुकी है और दबंग 3 का इंतजार किया जा रहा है, पर फिल्म भारत शायद उतनी कमाई नहीं कर पाई जिसकी सलमान ने उम्मीद की थी। अब तक केसरी और मिशन मंगल रिलीज हो चुकी है और मिशन मंगल खूब तारीफ बटोर रही है, करके गैस बचा के पूरियां तलते रहते हैं। इस होम साइंस की टेक्निक से हम लोग मार्स जाना चाहते हैं। जबकि आने वाले साल 2020 में अक्षय कुमार के पास सूर्यवंशी, लक्ष्मी बम और बच्चन पांडे हैं, जिनके धमाकेदार पोस्ट खूब पसंद किए गए। वहीं सलमान की फिल्म इंशाअल्लाह और किक 2 शूटिंग से पहले ही या तो ठंडे बस्ते में जाती या फिर चलती।